हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे ऐसी मेरी आशा है। और मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूं जीएस बूस्टर सीरीज़ लेकर के। और दोस्तों, ये जो जीएस बूस्टर सीरीज़ है, आप लोगों को लगातार काफ़ी पसंद भी आ रही है, ऐसा मैं बच्चों के रिव्यू देख करके बोल रहा हूं। और इसमें टॉपिक को कह सकता हूं कि मैं जो एक्सप्लेन करता हूं 7 बजे 8:30 बजे की शाम की क्लास जो होती है, उसको मैं कंसाइज करके पॉइंट टू पॉइंट इजी नोट बना करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को इस जीएस बूस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, वो पॉलिटी का टॉपिक है। और पॉलिटी के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के विचार, यानी थॉट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ड्रीम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के स्वप्न क्या हैं, या भारतीय संविधान बनाने वाले जो लोग थे, संविधान निर्माता जो थे, उनके क्या स्वप्न हैं, इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर छोटी से पॉइंट में डिस्कस करते हैं। इससे आपको हमारे संविधान को समझने में आसानी मिलेगी। तो दोस्तों, संविधान के विचारों को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था, संविधान के विचारों में फिलॉसफी है, सरकार का गठन है और विविध तत्व हैं। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो बुक है, पवित्र ग्रंथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कह सकते हैं भारतीय होने के नाते जो हमारा पवित्र ग्रंथ है कॉन्स्टिट्यूशन नाम का पुस्तक जो है, इस पुस्तक का कह सकते हैं ये जो बुक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की अगर देखी जाए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम की जो बुक है, इस किताब के विचारों को, यानी इसको देखा जाए कि कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होकर हमें मिलती है। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड होकर कैसे देख सकते हैं कि एक भाग तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जिसमें फिलॉसफी ही फिलॉसफी भरी पड़ी है, और इस बुक के लगभग 35-40% जो हिस्सा है, 35-40% जो हिस्सा है, वो आपका दर्शनों से भरा पड़ा है, फिलॉसफीज से भरा पड़ा है। दर्शन का मतलब ये है कि कुछ गूढ़ बातें कही गई हैं जिसके शाब्दिक अर्थ को समझना और उसे अपनाने की बात कही गई है। ऐसे दर्शन वाले जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें संविधान निर्माताओं के, मैंने कहा कि स्वप्नों की बात करी जाती है, तो इसका उदाहरण सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, संविधान निर्माताओं के सबसे ज़्यादा सपने, भारतीय संविधान के सारे सपने इस एक टॉपिक के अंदर निहित हैं, प्रस्तावना के अंदर। यानी भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है, इसको अगर आपको जानना है तो आप इंडियन प्रीएम्बल को पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं, ये भी कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी यानी कि दर्शन के ऊपर आधारित बना हुआ ये पार्ट है दर्शन के ऊपर। और नीति निर्देशक तत्व जैसी जो चीज़ें हैं, जैसे कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये मूल रूप से संविधान के विचार को प्रस्तुत करते हैं, मूल रूप से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसको अपनाने के बाद व्यक्ति के विचार कैसे होने चाहिए और संविधान उनसे क्या अपेक्षा रखता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे यहाँ के नागरिक हों, चाहे आम जनता हो, चाहे यहाँ की प्रकृति हो, उससे संविधान को क्या आशाएं हैं, ये बताता है फिलॉसफी। सरकार के गठन की का हिस्सा अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में सरकार के गठन की भी बात करी गई है, और लगभग 50% हिस्सा जो है वो सरकार के गठन का यहाँ पर आपको दिखता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, किस प्रकार से कोई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन 3 हिस्सों से मिलकर के बनती है, और ये 3 हिस्से कौन कौन से हैं, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, विधायिका के ये अंग हैं, इसके उदाहरण हैं आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, एग्जीक्यूटिव ये हैं कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका है, जुडिशरी है, ये सब लोग मिलकर के सरकार बनती हैं। अगर हम विधायिका के हिसाब से देखें तो सरकार जो है वो संसद में, राष्ट्रपति में, राज्यसभा और लोकसभा में निहित है। राज्यों में इसी का पैरेलल एक एजेंसी चलता है जिसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा के नाम से जानते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका क्या करेगी, कार्यपालिका जो विधायिकाओं के द्वारा, ये इसका काम है नियम बनाना, इसका काम क्या है, किसी भी नियम को बनाना, विधि को बनाने का काम, लॉ बनाने का काम विधायिका का है। लॉ के अकॉर्डिंग कामों को एग्जीक्यूट करना, किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करना अकॉर्डिंग टू लॉ, ये जो है कार्यपालिका का काम है, और ये केंद्र में भी है और राज्य में भी है, जैसी केंद्र में है उसी तरीके से राज्य में विधिवत रूप से है। और न्यायपालिका का काम क्या है कि विधि के अनुसार जो भी नियम हैं उनका पालन कराना, और यदि अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो उसका पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना, और फिर भी यदि अगर प्रेरित नहीं हो रहे हैं लोग तो उन्हें उचित दंड देना, ये जो है वो न्यायपालिका का काम है। तो केंद्रीय और राजकीय न्यायपालिकाएं होती हैं, इसके अलावा जिला न्यायपालिकाएं भी काम करती हैं। तो ये है पूरा हमारे संविधान का विचार।
कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हम सिर्फ नियमों के आधार पर ही नहीं चलेंगे, बल्कि कुछ हमारी फिलॉसफीज होंगी, दर्शन होंगे, उनके आधार पर चलेंगे। इसके अलावा तीसरा सेक्शन जो है वो कह सकते हैं वो मिसलेनियस है, जिसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। लगभग 10-15% हिस्सा जो है वो आपका किसका होता है, वो मिसलेनियस का होता है। जैसे कि नागरिकता जो है ये मिसलेनियस पार्ट है, मतलब इसमें थोड़ा सरकार के गठन की भी भागीदारी है, थोड़ा दर्शन की भी भागीदारी है, किसी को हम नागरिक कैसे बनाएंगे, इसके रूल्स भी हैं और इसके साथ इसकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसी अनुसार पंचायत हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो सरकार के गठन में सहयोग करती हैं या फिर इंडियन फिलॉसफी को समझने में सहायता करती हैं या उसे एस्टेब्लिश करने में सहायता करती हैं। तो लगभग 10% हिस्सा जो है ये मिसलेनियस पार्ट का है। ये मिला करके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रफली अगर देखा जाए तो यही सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के संविधान हो सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो करीब 5-6 प्रकार के संविधान आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होंगे जिसमें मोस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिटन फॉर्मेट में मिलते हैं, लिखित दस्तावेज के रूप में आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान। वो ऐसे संविधान होते हैं, अलिखित संविधान, जिसमें कह सकते हैं हम कि कुछ ऐसे भाग जो रिटन नहीं होते हैं, ओरल होते हैं, फिलॉसफीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसे ब्रिटेन वगैरह का संविधान है वो अलिखित है। निर्मित संविधान कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब एक संविधान सभा बनी होगी, उसने संविधान का निर्माण करा होगा, प्रॉपरली एक प्रोसीजर फॉलो किया गया होगा, उससे बनने वाला जो संविधान है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशन। कठोर संविधान वो होता है जिसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं हो पाते हैं, यानी रिजिड होता है, अमेंडमेंट होते ही नहीं है या तो फिर होने में बड़ी परेशानी होती है, बहुत सारे क्रिटिकल कह सकते हैं कि स्टेजेस को पार करना पड़ता है उनमें संविधान को कह सकते हैं कि अमेंड करने के लिए। लचीला संविधान क्या होता है? लचीला होता है जैसे फ्लेक्सिबल होता है, आसानी से परिवर्तन जिसमें किया जा सकता है, समयानुरूप उसे आसानी से बदला जा सकता है, जिसके अमेंडमेंट के लिए हमें कोई विशेष प्रक्रिया ना अपनानी पड़े, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी डेवलपमेंट के फेज़ को पार करते हुए आगे बनते हैं और फिर नए रूल्स को एग्जीक्यूट करके निर्मित करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका हम कह सकते हैं कि भारतीयों में अगर देखा जाए उसका संविधान जो है वो अंग्रेजों की पार्लियामेंट्री सिस्टम को समय दर समय सीखते हुए रखा गया है। तो इंडिया की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें में से ये खूबी अपने साथ रखता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाली खूबी नहीं है। इसके अलावा ये सारी खूबियाँ इस भारतीय संविधान में पाई जाती हैं, यानी भारतीय संविधान जो है वो रिटन है, कॉन्स्टिट्यूटेड है, रिजिड, फ्लेक्सिबल एंड डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में हम लोग अगली जीएस बूस्टर में मिलेंगे, तब आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि पूरा का पूरा आपको ये सार समझ में आया होगा। सार आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स करना ना भूलिए यदि अगर कोई परेशानी आपको आ रही है। थैंक यू। जय हिंद।